Hello, good evening. Welcome to Unacademy Placebo, Unacademy Studios Placebo. My name is Ritu Ratewal और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन चैनल नीट और एम्स की प्रेपरेशन के लिए. हमारा चैनल आपके लिए सुबह 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लाइव क्लासेस लेके आता है नीट की प्रेपरेशन के लिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लासेस. तो अगर डॉक्टर बनना आपका सपना है तो ये चैनल आपके लिए है. आज बहुत दिन क्लास बाद हमारी क्लास लग रही है. हेलो एवरीबॉडी, हेलो प्रतिभा, हेलो श्रीजा, हेलो खुशबू, सौम्या, निखिल, विवेक, उत्कर्ष, फिजा, हिमाद्री, अर्पित, निशा. यस, आई वाज आल्सो वेटिंग टू टेक लेक्चर्स विद यू. थैंक यू अर्पित भारद्वाज. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. सो लेट्स स्टार्ट. आज ह्यूमन ईयर का टॉपिक मैंने चूज़ किया है शुरू करने के लिए. जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है, तुम समझ रहे हो उसमें से क्या क्या बातें खत्म हो चुकी हैं. स्टार्टिंग वाला पार्ट खत्म हो चुका है जहाँ पे तुमने नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन की है. उसके बाद हमने ह्यूमन आई कंप्लीट किया है, अब हम ह्यूमन ईयर कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम जो नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक है वो करेंगे. उसके बाद हम ह्यूमन ब्रेन करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. क्लासेस तो जो बेटा यहाँ पे लगती हैं प्लेसिबो पे लगती ही हैं. आप मेरे लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं शाम को 4 से 5 और 6 से 7. परंतु यदि आप मेरे साथ पूरा सिलेबस करना चाहते हैं नीट 2020 के एग्जाम से पहले, प्लस आप अनअकैडमी के 40 से अधिक टीचर्स के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, प्लस आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, प्लस आप डाउट सेशंस लेना चाहते हैं, आप मोटिवेशन सेशंस लेना चाहते हैं, मतलब कि आप बेसिकली सक्सेस का बेसिक फंडा जानना चाहते हैं, तो वो है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन. वो कैसे लेना है मैं आपको बता देती हूँ. जो बच्चे नए हैं उनको बता देती हूँ, जो रेगुलर देख रहे हैं वो जानते हैं पहले से. अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करेंगे, इसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, तो ये डाउनलोड तो आप वैसे भी कर ही लीजिए. देन यू विल गो टू प्लस, देन यू विल गो टू नीट. नीट के सेक्शन में जाके आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा. पेमेंट ऑप्शन आपके पास 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ प्लान है, पर आप कौन सा प्लान लेंगे, 1 ईयर वाला या 2 ईयर वाला, क्योंकि बेटा इतनी तैयारी के लिए तुम्हें इतना टाइम तो चाहिए. एक साल का प्लान आपको 25,000 रुपया दिखाएगा. ये 40 से अधिक टीचर्स की लाइव क्लासेस है प्लस टेस्ट सीरीज है, पर आप 25,000 भी पे नहीं करोगे. हालांकि पहले ही बहुत कम है एक साल की फीस अगर आप ऑफलाइन से कंपेयर करो तो, बट स्टिल यू कैन यूज दिस कोड ऋतु लाइफ एंड एज सून एज यू यूज दिस कोड यू विल गेट अ 10% ऑफ. एंड नाउ आपको पूरे साल की फीस 22,500 में पड़ जाएगी. यदि आप 2 साल का कोर्स लेना चाहते हैं तो और भी सस्ता है वो, पर मंथ के हिसाब से 40,000 रुपया होगा. उसमें इफ़ यू पुट माई कोड ऋतु और जस्ट ऋतु लाइव या ऋतु, कोई भी यूज कर सकते हो, यूज ऋतु सिंपल शॉर्ट, यू विल गेट अ 10% ऑफ फॉर 36,000. फायदा क्या है प्लस का मैं आपको बता चुकी हूँ. एक तो आपको मेरे से पूरा कोर्स पढ़ने के लिए मिलेगा प्लस वन प्लस टू का. दूसरा 40 से अधिक टीचर्स के साथ कोर्स कंप्लीट करने का मौका मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का. आप कोई भी फिजिक्स का टीचर चूज कर सकते हैं, कोई भी केमिस्ट्री का टीचर चूज कर सकते हैं. सो यू हैव अ चॉइस बिटवीन 10 टीचर्स. ठीक है, देन डेली डाउट सेशंस, डेली प्रैक्टिस शीट्स होंगी वहाँ पे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी. इतने पैसे में तो बेटा सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहा है कोई और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर. सो जॉइन फास्ट बिकॉज टाइम इज गोइंग ऑन. ऑलरेडी अगस्त के मिड में पहुँच गए हैं, अगर फेब में पेपर हुआ तो बहुत ही कम टाइम है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आइए बेटा जी, ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे हम. तुम्हें बहुत खचपच लगता है एनसीईआरटी का डायग्राम, तुम्हें लोगों को लगता है भैया क्या है मुझे समझ में नहीं आएगा. मैं समझाती हूँ, इट्स वेरी इजी. जब भी हम ह्यूमन ईयर कहते हैं हमें दिमाग में ये 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 आता है दैट दिस इज ह्यूमन ईयर. बट जान के तुम लोगों को खुशी होगी कि ये ह्यूमन ईयर का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है. ह्यूमन ईयर इज अ बिग, नॉट अ बिग थिंग बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. तुम्हें सिर्फ दिखता ये वाला पार्ट है, लेकिन इसके अंदर 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 ह्यूमन ईयर के पार्ट्स होते हैं. तुम्हें ये वाली बोन पता है कौन सी है, मैं बात कर चुकी हूँ तुम लोगों से पहले. ये वाली बोन टेम्पोरल बोन है.
तो ह्यूमन ईयर का मेजॉरिटी पार्ट टेम्पोरल बोन के अंदर पड़ा होता है, ठीक है, ये वाला तो बाहर दिख रहा है लेकिन उसके अंदर वाला पार्ट इस बोन के अंदर पड़ा हुआ है। तो आज तुम्हें ह्यूमन ईयर के पार्ट्स बताऊंगी और हो सका तो फंक्शनिंग कराऊंगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फंक्शनिंग करा दूंगी। आओ चलो देखते हैं। ह्यूमन ईयर के तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले पार्ट को बोलते हैं हम, रुको पहले कोई रंग बिरंगा पेन ले दो, मजे नहीं आते बिना रंग बिरंगे पेन के। पहले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, फिर बोलते हैं मिडल ईयर, फिर कहते हैं हम इंटरनल ईयर। तो मतलब ह्यूमन ईयर के तीन पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैं तुम्हें डायग्राम के साथ समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, रैदर देन ऐसे। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम पे भी वापस बाद में आएंगे, पहले हम अपना डायग्राम खुद बनाना शुरू करते हैं। चलो ये देखो बच्चों, ये तुम्हें बाहर नजर आता है, ठीक है, इसमें तुम ये लो बालियां पहनती हैं लड़कियां। दिस पार्ट इज कॉल्ड पिन्ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड पिन्ना। पिन्ना का क्या काम होता है, बेसिकली सुनना इसका काम नहीं होता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना इसका काम होता है। तो अगर तुमसे कोई बात कर रहा है और तुम्हें नहीं सुन रहा तो तुम ऐसे करके सुनते हो ना, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये पिन्ना का बड़ा वर्जन है, ज़्यादा बड़ा पिन्ना लगा दिया तुमने, क्योंकि जितना बड़ा ये वाला पोर्शन होता है उतनी ज़्यादा साउंड वेव्स बेटर कलेक्ट होती हैं। अभी देखो तुम बैठे हो ना अपने घर में, बात करने की कोशिश करो, तुम बात करो और अपने ही कान पे ऐसे ऐसे लगा लो तो तुम्हें अपनी ही बात क्लियरली ज़्यादा सुनने लग जाएगी यदि ऐसे तुम हाथ लगा लोगे तो। तो पिन्ना का फंक्शन समझ रहे हो, ऐसे करके साउंड को कलेक्ट करता है वो। साउंड को कलेक्ट करके कहाँ डालता है, यहाँ पे एक ट्यूब है, कान के अंदर उंगली डालो, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देना, ये देखो यहाँ पे एक कैनाल है ऐसे करके अंदर जा रही है, ठीक है, ये कैनाल ऐसे जा रही है, ठीक है, और इसके एक एंड पॉइंट के बाद तुम्हारा उंगली जाना बंद हो जाता है ऐसे। इनको मार्क कर लो क्या क्या है। चलो दिस इज कॉल्ड पिन्ना, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मतलब सुनने के लिए, मीटस मतलब कैनाल। पिन्ना क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, यहाँ से साउंड वेव्स आ रही है, यहाँ से साउंड वेव्स आ रही है, यहाँ से साउंड वेव्स आ रही है, इन साउंड वेव्स को कलेक्ट करके अंदर लेके जाता है, यहाँ से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस से अंदर इस जगह पे टच करता है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम या टिम्पैनम। ईयर ड्रम या टिम्पैन, ये तीनों पार्ट्स एक्सटर्नल ईयर के हैं, यहां तक सब एक्सटर्नल ईयर है, ये एक्सटर्नल ईयर है, इसके अंदर जो कैनाल है वो एक्सटर्नल ईयर है, फिर जो कैनाल जहां पे खत्म हो रही है वहां तक पूरा एक्सटर्नल ईयर है। मार्क कर लो इसको, दीज थ्री थिंग्स विल कम इन एक्सटर्नल ईयर। अब इसके बारे में एनसीईआरटी ने थोड़ी थोड़ी सी बातें बताई हुई हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो एक बार, इसका क्लिक करो इसको, फिर आगे चलते हैं। आइए क्लिक्ड, अभी देखो एनसीईआरटी ने एक बात कही है, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में छोटे छोटे हेयर होंगे। पहली बात तो देयर विल बी स्मॉल स्मॉल हेयर हियर लाइक दिस। उन हेयर का काम क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं तुम्हारे कान के अंदर उसको ट्रैप करने के लिए। देन देर विल बी ग्लैंड्स विच विल सिक्रीट अ वैक्स लाइक सब्सटेंस। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होंगे, देर विल बी सम ग्लैंड्स हियर विच विल सिक्रीट अ वैक्स लाइक सब्सटेंस कॉल्ड सेरुमिन। जो तुम कान में से मैल निकालते रहते हो ना, वो सेरुमिन ही है। तो दो चीज़ें एनसीईआरटी ने कही हुई हैं, लिख दूं मैं वो यहीं पे लिख दूं कि आगे लिखूं, आगे लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं। देर आर हेयर, टाइनी हेयर इन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस एंड पिन्ना के ऊपर, एंड देर आर ग्लैंड्स कॉल्ड सेरुमिनस ग्लैंड्स।
वैक्स लाइक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सेरुमेन। मैं सेरुमेन लिख नहीं रही हूँ बिकॉज आई एम मिसिंग द स्पेलिंग ऑफ सेरुमेन, सो आई एम नॉट राइटिंग इट, यू राइट इट योर सेल्फ। तो मैं पता है ना कभी कभी स्पेलिंग में मैं झोल कर देती हूँ, तो मैं सेरुमेन की स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, SCERUMEN होना चाहिए, मैं लिख देती हूँ। बट यू स्टिल चेक इट, ओके। इतनी बात हो गई। सेरुमेन का और बालों का फायदा क्या है? जो भी डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया एंटर करना चाहता है तुम्हारे ईयर के अंदर, वो इनमें ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब इसके अंदर चलो, देखो यहाँ से उंगली जाना बंद हो गई। अब ये तुम्हारा टेम्पोरल बोन के अंदर एक गड्ढा है, ये तो टेम्पोरल बोन के अंदर है ही है, उसके अंदर एक और गड्ढा है ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे पूरा टेम्पोरल बोन है, ये बोन के अंदर है सारा, दिस इज ऑल बोन, ओके। नाउ देर इज अनदर कैविटी इन द बोन एंड दिस कैविटी हैज थ्री मोर बोन्स। सो बोन के अंदर बोन, दिस कैविटी हैज थ्री मोर बोन्स एंड दे आर वेरी फेमस। तुम लोगों को पता है बार बार ईयर ऑसिकल्स की बात होती रहती है, बट स्टिल वी विल मेक बिकॉज हमें तो सारा डिटेल में करना है। चल, देर इज अ फर्स्ट बोन विच इज अटैच टू टिम्पैनम। यहाँ पे एक बोन होगी जो कि टिम्पैनम से अटैच होगी, इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, ओके। देन देर इज अ सेकेंड बोन विच इज अटैच टू दिस बोन लाइक दिस। देन देर इज अ थर्ड बोन विच इज अटैच्ड लाइक दिस। लेट मी कलर इट अ लिटिल बिट सो दैट इट इज क्लियर टू यू। वेट, तीन बोन्स हैं इस कैविटी के अंदर, तीन बोन्स हैं। देखो, पहली बोन को बोलते हैं मेलियस, जो कि टिम्पैनम से अटैच्ड है। लिख दो इसका नाम मेलियस, बुरा तो नहीं मानोगे। दिस इज कॉल्ड मेलियस। मेलियस से अटैच्ड है एक और बोन जिसको कहते हैं इनकस, और इनकस से अटैच्ड है एक और बोन जिसको कहते हैं स्टेपिस। स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस जो है वो आगे इंटरनल ईयर से कनेक्टेड है। अब ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या क्या कहा है और तुम्हें क्या क्या लर्न करना है। पहली बात तो तुम्हें इसका सीक्वेंस लर्न करना है। सीक्वेंस लर्न करने का सिंपल तरीका है MIS, मेलियस इंकस स्टेपिस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेलियस किससे अटैच्ड है? टिम्पैनम से, ईयर ड्रम से अटैच्ड है। और स्टेपिस किससे अटैच्ड है? इंटरनल ईयर से। यहाँ से मैं इंटरनल ईयर बनाने वाली हूँ, ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है। चौथा पॉइंट, ये सब कुछ मिडल ईयर का पार्ट है, दिस ऑल इज मिडल ईयर, दिस ऑल इज मिडल ईयर। ये जो मैंने येलो में शेड किया है, ये पूरा का पूरा मिडल ईयर है। लिख दूं कहाँ लिखूं, ये लो, ठीक है। अब एक और इसमें क्वेश्चन बन सकता है, द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी इज लोकेटेड इन योर मिडल ईयर। दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, स्टेपिस। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है, इनके घर के नाम क्या हैं? देखो, बोन्स की शेप पे हम उनके घर के नाम भी बना सकते हैं। ये बोन एक हथौड़े जैसा है, इट इज लाइक अ हैमर, टिक 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 टिक, इसलिए मेलियस को हैमर भी कह देते हैं। ये हैमर किसके ऊपर बज रहा है? ये इट इज लाइक एन एनविल। एनविल क्या होता है? जो जूते बनाता है ना, जो मोची, तो जो वो नीचे नहीं रखता जिसके ऊपर वो जूते रखता है फिर मारता है ऊपर हथौड़े से, तो वो जो नीचे रखी हुई चीज होती है उसको एनविल कहते हैं। सो दिस इज एनविल एंड दिस इज कॉल्ड स्टिरअप।
सिरप क्या होता है, जब हम घोड़े पे बैठते हैं, अगर तुम में से किसी ने बैठा है तो घोड़े के ऊपर बैठ के जो पैर फंसाने के लिए जो जगह होती है ना, वो कुछ इस शेप की होती है, इट इज़ कॉल्ड स्टिरप। सो ये कुछ कुछ वैसा ही है। ये बातों के अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है मिडल ईयर में, तुम्हें इतना बात समझ में आया पहले बताओ मुझे, आगे चलूं। स्मॉलेस्ट मसल निखिल, देखो बेटा स्टेपिस बोन के साथ, अच्छा क्वेश्चन है निखिल, स्टेपिस बोन के साथ एक मसल अटैच्ड होती है जिसको कहते हैं स्टेपिडियस। सो सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है, सबसे स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट बोन जो है उसके साथ स्मॉलेस्ट मसल भी अटैच्ड है बॉडी की, जिसको स्टेपिडियस कहते हैं। ओके चले आगे। यस इप्सिता, आई एम ऑल्सो ग्लैड टू टेक योर क्लास आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। चलो आगे देखो। अब देखो इन बोन्स का फायदा क्या है, अगली बात एनसीईआरटी ने कही है कि बोन्स का फायदा क्या है। देखो तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया, साउंड वेव्स यहाँ से आई, यहाँ से हमने डस्ट पार्टिकल वगैरह ट्रैप कर लिया सेरुमिनस ग्लैंड से और हेयर से। अब साउंड अंदर गई, साउंड अंदर गई, साउंड अंदर गई, साउंड ने धक्का मारा टिम्पैनम को। तुमने यदि फिजिक्स पढ़ी है तो तुम जानते हो साउंड क्या है। साउंड इज जस्ट जो एयर है उसका प्रेशर डिफरेंस होता है, एक जगह ज़्यादा प्रेशर वाला होता है, एक जगह कम प्रेशर वाली एयर होती है। सो ये साउंड जाके टिम्पैनम पे धक्का मारेगी, ठीक है, जैसे डोर पे धक्का मारा जाता है। सो टिम्पैनम पे धक्का लगेगा, टिम्पैनम हिलेगा ठिक ठिक इस तरीके से, मतलब ऑफ कोर्स इसी पैटर्न में नहीं, धक धक वाले पैटर्न में नहीं, लेकिन टिम्पैनम हिलेगा। टिम्पैनम के मूव होने से ये वाली बोन मूव होगी, मेलियस मूव होगी। सो मेलियस विल मूव, सो दिस इज मेलियस, मेलियस विल मूव लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस। अब ये हैमर की तरह हिट कर रही है किसको, एनविल को। सो एनविल इज लाइक दिस, सो एनविल इज गेटिंग हिट, सो एनविल विल मूव लाइक दिस। एनविल के मूव होने से अल्टीमेटली स्टेपिस, स्टेपिस मूव कर रही है, स्टेपिस इज लाइक दिस, स्टेपिस इज हिटिंग द इंटरनल ईयर लाइक दिस, ठीक है। इनका फायदा क्या है, साउंड की एम्पलीफिकेशन करना मिडल ईयर का काम है। जितने जोर से ये टिम्पैनम ऐसे ऐसे हो रहा होता है ना, देखो इतनी बड़ी चीज़ अगर इतने जोर से हो रही है तो ये बोन्स प्रोग्रेसिवली छोटी होती जाती हैं। जितनी छोटी चीज़ है उस पर अगर उतना ही फोर्स लगाओगे तो वो सबसे ज़्यादा मूव करेगा। सो अगर टिम्पैनम ऐसे ऐसे मूव कर रहा था तो क्योंकि ये बोन इतनी छोटी है, उतना ही जोर इस बोन पे लग गया, तो ये बोन विल मूव लाइक डुचुक 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 लाइक दिस। सो एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड कर देता है मिडल ईयर। ऑफ कोर्स इसका फायदा तभी है जब ये ढुचुक ढुचुक जो है ये इंटरनल ईयर में जाएगी। इंटरनल ईयर से अल्टीमेटली साउंड प्रोडक्शन होने वाली है, ठीक है। तो इंटरनल ईयर को मैं यहां नहीं बना रही, आई जस्ट शो यू अ वेरी रफ डायग्राम ऑफ इंटरनल ईयर, उसको अलग से डिटेल में करेंगे अभी। सो दिस इज योर इंटरनल ईयर, एंड इंटरनल ईयर इज वियर्ड, इट इज लाइक एलियन का बच्चा नहीं होता, इट इज सम, इट्स वियर्ड। सो दिस इज योर इंटरनल ईयर, आई एम नॉट मेकिंग इट इन डिटेल, दिस इज योर इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर को ही हमने पढ़ना है आज की क्लास में डिटेल में, एक्सटर्नल और मिडल ईयर का इतना ही रोल है। तो बेसिकली ये जो वाइब्रेशंस हैं ये इंटरनल ईयर तक ले जाने के लिए ये सारा ट्रामा था, ये कलेक्ट करने के लिए, ये एम्पलीफाई करने के लिए, अल्टीमेटली हमें इंटरनल ईयर तक ये वाइब्रेशंस लेके जानी है। इतना समझ में आ गया। तो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट आप कौन कौन मानोगे, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस एंड टिम्पैनम, मिडल ईयर के पार्ट मेलियस इनकस टेपिस, और इंटरनल ईयर अभी आपको बताना है। तो अब आप ये स्लाइड समझ पा रहे हो, एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट्स ऑफ दिस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस एंड टिम्पैनम, राइट, मिडल ईयर ईयर ऑसिकल्स, इंटरनल ईयर बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, ये मैं अभी समझाऊंगी आपको कि क्या होता है। इतना क्लियर हो गया, बस अब मिडल ईयर में एक इंपॉर्टेंट बात रह गई है। आपका मिडल ईयर, मिडल ईयर ये अंदर, अब मिडल ईयर को तो तुम टच नहीं कर सकते हो। अच्छा तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जब तुम्हारे कान में मेडिसिन डालते हैं तो यहाँ पर गंदा टेस्ट आने लगता है, थ्रोट में गला गंदा टेस्ट आने लगता है, ऐसा होता है। ऐसा कैसे हो गया भैया, ईयर की मेडिसिन थ्रोट में कैसे चली गई। एक्चुअली जब आप यहाँ पे मेडिसिन डालते हो तो वो एक्सटर्नल ईयर में डाली, वो क्रॉस करके मिडल ईयर तक चली जाती है। मिडल ईयर जो है वो कनेक्टेड होता है तुम्हारे फेरिंग्स से,
मिडल ईयर में एक ट्यूब होती है विच इज कनेक्टेड टू फेरिंक्स, ठीक है, उस ट्यूब को बनाना चाहती हूं मैं। से दिस इज द ट्यूब हियर, एंड अब मैं ये डिलीट कर दूं बिकॉज यू हैव नोटेड इट डाउन, है ना, नोट कर लिया बेटा। तरुण का क्वेश्चन क्या है? तरुण धीर, बिकॉज बेटा तुम इतना अंदर तक जाके साउंड को रिलीज कर रहे हो, ओके, एंड दैट साउंड इज रैपिडली प्रेसिंग योर टिम्पैनम, तो आपके टिम्पैनम के डैमेज होने का डर है, इसीलिए ईयरफोन्स हाई वॉल्यूम में नहीं रखे जाते, बिकॉज आपका टिम्पैनम डैमेज हो सकता है इतनी हाई वॉल्यूम से। बिल्कुल बिल्कुल पूनम, दीज बोन्स आर इंटरकनेक्टेड, जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में बेटा। और कोई क्वेश्चन जो रह गया है? यू हैव नोटेड दिस डाउन? ओके, नाउ अब मैं इसको रब कर रही हूं ताकि मैं ट्यूब बना सकूं। सी, देर इज अ ट्यूब लाइक दिस विच इज कनेक्टेड टू फेरिंग्स, फेरिंग्स समझते हैं हम लोग, ये जो बकल कैविटी के पीछे वाला रीजन है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स से आपका नाक भी कनेक्टेड होता है, तो जो नाक में दवाई डालोगे वो भी फेरिंग्स में चला जाएगा। माउथ ऑफ कोर्स, बकल कैविटी तो कनेक्टेड होती ही है, जो कुछ खाते हो फेरिंग्स में जाता है, प्लस ईयर भी कनेक्टेड होता है, ईयर में जो कुछ डालोगे वो फेरिंग्स में जाएगा, समझ रहे हो? नोज, ईयर एंड योर माउथ एंड योर बकल कैविटी, दे आर कनेक्टेड विद, देर इज अ कॉमन थिंग फेरिंग्स इन तीनों के बीच में। दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूस्टाचियन ट्यूब। नाम याद रखना है यूस्टाचियन ट्यूब, ये याद रखना है, मिडल ईयर से जाती है। देन दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कौन सा कार्टिलेज, कौन सा कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। येलो इलास्टिक कार्टिलेज मैंने तुम्हें बताया नहीं है ना कहाँ तक कहाँ कहाँ पे होता है, मैं तुम्हें याद करा देती हूँ येलो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे होता है। पिन्ना इज येलो इलास्टिक कार्टिलेज, देख लो यहाँ पे, जिन बच्चों को कार्टिलेज के बारे में नहीं पता, तीन प्रकार का कार्टिलेज होता है हमारे पास, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड हायलिन कार्टिलेज। सो मोस्ट अबंडेंट तो हायलिन कार्टिलेज है। येलो इलास्टिक कहीं कहीं पे होता है, कहाँ पे होता है याद करना है हमने। पिन्ना, नोज टिप, देखो कान में और नो नोज में आ गया, एंड देन यूस्टाचियन ट्यूब एंड अल्टीमेटली एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस पढ़ा है तुम लोगों ने, जो वॉइस बॉक्स होता है उसके ऊपर एक फ्लैप होता है जो कि वॉइस बॉक्स को बंद कर देता है, एपिग्लॉटिस, वो भी येलो इलास्टिक का बना हुआ है। याद करना आसान है, 1 2 3 4, चार जगह इलास्टिक कार्टिलेज, 1 2 3 4, हो जाएगा याद। अभी सुनो, इसका फायदा क्या है, ये ट्यूब का फायदा क्या है, देखो ध्यान से सुनो। साउंड, प्रॉपर साउंड प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर टिम्पैनम को ऐसे से मूव होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपरली बोन्स को मूव कराएगा, तब जाके इंटरनल ईयर मूव होगा और फिर साउंड प्रोडक्शन होगी। तो टिम्पैनम के इस साइड पे और इस साइड पे प्रेशर सेम रहना चाहिए एयर का। मान लो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, मिडल ईयर में प्रेशर बढ़ गया, तो टिम्पैनम मूव ही नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर है उस साइड से। या मान लो यहाँ पे प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो टिम्पैनम अंदर की तरफ ही दबा हुआ है, खींच रहा है अंदर की तरफ, सक हो रहा है अंदर की तरफ। सो मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर का प्रेशर सेम होना चाहिए ताकि टिम्पैनम प्रॉपरली मूव कर सके। अब एक्सटर्नल ईयर में तो नॉर्मल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि तो एटमॉस्फेयर से बाहर से कनेक्टेड है, पर मिडल ईयर का प्रेशर चेंज ना हो जाए इसलिए मिडल ईयर इज कनेक्टेड टू फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है ना, तुम सांस ले रहे हो तो फेरिंग्स में से ही जा रहा है ना, तो फेरिंग्स में नॉर्मल प्रेशर है, तो बेसिकली फेरिंग्स से कनेक्टेड होने की वजह से इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, उसकी वजह से टिम्पैनम के दोनों साइड पे प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो टिम्पैनम प्रॉपरली मूव कर पाता है। समझ में आया? तुम्हें एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। कभी कभी तुम्हारे कान बंद हो जाते हैं, तुम्हें लगता है मैं सुन नहीं रहा सुन नहीं रहा सुन नहीं रहा, तो फिर तुम अंगड़ाई लेते हो,
मुंह खोलते हो ऐसे करके और सुनने लग जाते एकदम से, ऐसे नहीं लगता कान खुल गए। वो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी यूस्टाचियन ट्यूब को तुम थोड़ा प्रॉपरली ओपन कर देते हो जब तुम अंगड़ाई लेते हो, तो तुम जब मुंह खोलते हो तो यूस्टाचियन ट्यूब प्रॉपरली ओपन हो जाती है और प्रेशर नॉर्मल हो जाता है मिडल ईयर में। यूस्टाचियन ट्यूब का फंक्शन पता चल गया है बेटा तुम्हें, डन। आगे बताऊं, वट इज़ द नीड ऑफ कार्टिलेज? कार्टिलेज की अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो थोड़ा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल टूट के गिर जाएगी, प्रॉपर शेप में भी है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, ओके? अच्छा तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों के भी जो पूर्वज थे, ईयर पिन्ना दो प्रकार का काम करता था वहाँ पे। एक तो पिन्ना जो है वो साउंड कलेक्शन का काम करता था। आप सोचो अगर तुम्हारा ये कलेक्टिंग पार्ट हार्ड नहीं होगा, ठीक है, तो वो ऐसे गिर जाएगा तो कलेक्ट कैसे करेगा? अगर मान लो तुम एपिथीलियल टिश्यू का बना देते हो ये, तो ये तो ऐसे गिर जाएगा। प्रॉपर शेप में ये इसी वजह से, क्योंकि ये कार्टिलेज का है, कार्टिलेज थोड़ा स्ट्रांग होता है एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल ऑल्सो, तो इसको डैमेज होने का डर कम होता है। प्लस जो बहुत पहले ऑर्गेनिजम्स होते थे, अभी भी तुम देख सकते हो बफलो वगैरह में, ये पिन्ना मूव करता है ऐसे करके, मूव करता है। सो पिन्ना कुड बी एडजस्टेड कि कहाँ से साउंड आ रही है, तो वो उधर मूव कर सकते थे हम इस तरीके से। सो मूवमेंट के लिए हमें कोई फ्लेक्सिबल चीज़ ही चाहिए, इसलिए कार्टिलेज का बना हुआ था हमारा ईयर पिन्ना। हालांकि अब ह्यूमंस नहीं मूव कर सकते, हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है, ठीक है, डन। एक और चीज़ जो एनसीईआरटी ने तुम्हें इसके बारे में दी हुई थी, टिम्पैनम के बारे में कुछ दिया हुआ था इम्पॉर्टेंट, जो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये तुम समझते हो, है ना? ये टिम्पैनम है। टिम्पैनम किस चीज़ का बना हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। एनसीईआरटी कह रही है टिम्पैनम का जो बीच वाला पार्ट है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। टिम्पैनम का जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, ये स्किन है, दिस इज स्किन, नॉर्मल स्किन है। जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, दिस इज मेड अप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ से म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है। सो इन तीनों लेयर्स को मिला के टिम्पैनम कहते हैं। एक एनसीईआरटी ने ये बात कही है, लिख दो इस बात को जो मैंने अभी बात कही है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, बीच वाला टिम्पैनम का पार्ट, दिस इज स्किन एंड दिस इज म्यूकस मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के टिम्पैनम बनता है। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इंटरनल साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, बाहर की साइड स्किन होती है। देखो स्किन ही होती है ना, टच करके देखो, समझ में आ गया बेटा? चलो इंटरनल ईयर पे, नोट हो गया, चलिए बेटा जी अब हम इंटरनल ईयर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये डायग्राम अब तुम लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है। दिस इज योर पिन्ना, ओके, दिस इज पिन्ना, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। रिवाइज करो मेरे साथ, यहां पे सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं, यहां पे हेयर भी है, दिस इज टिम्पैनम, सी टिम्पैनम बनाया हुआ है यहां पे, हियर आर द बोन्स, सी दिस इज योर मिडल ईयर, ओके, कैन यू सी द बोन्स क्लियरली, दिस इज योर फर्स्ट बोन, this is your second bone and this is your third bone, clear? this is your internal ear which I will show you right now, come, ओके। सो इंटरनल ईयर इट इज अ लेबरिंथ,
लेबरिंथ का इंग्लिश मीनिंग अगर तुम देखोगे तो लेबरिंथ का मतलब होता है सीरीज ऑफ चैनल्स, कहीं पे कोई रास्ता है, फिर वो किसी और रास्ते से जुड़ रहा है, फिर वो कहीं और रास्ते से जुड़ रहा है, फिर वो रास्ता घूम रहा है, इसको लेबरिंथ कहते हैं, भूल भुलैया जैसा कुछ। ठीक है, तो तुम्हारा इंटरनल ईयर भूल भुलैया जैसा कुछ है, पहली बात। तो अब दो प्रकार की लेबरिंथ मिलती हैं इंटरनल ईयर में, एक को कहते हैं बोनी लेबरिंथ, एक को कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। लिख दूँ, इंटरनल ईयर में दो प्रकार की लेबरिंथ मिलती है, लेबरिंथ मतलब भूल भुलैया, बस अभी के लिए इतना याद रख लो, इतना लिख लेते हैं जो मैंने अभी बात कही है। देर आर टू प्रकार्स ऑफ लेबरिंथ्स, बोनी लेबरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, पहले मैं तुम्हें बोनी मेम्ब्रेन बना लेबरिंथ बना के बताऊंगी। अच्छा, इमेजिन करो एक बोन है, मान लो तुम एक बोन का कमरा ले लो, ये कमरा बोन से बना हुआ है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, इमेजिन करो। अब इस कमरे के अंदर तुम एक हथौड़े से छेद कर करके बोन तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, इस बोन के अंदर एक तुम रास्ता बना दो। ठीक है, तो साइड साइड में बोन हो गई, बीच में रास्ता बन गया। ठीक है, अब वो रास्ता, वो पैसेज जो भी है, उसका जो दीवारें हैं वो बोन से बनी हुई है, क्योंकि वो बोन के अंदर रास्ता बना हुआ है। अब उस रास्ते को मैं बोनी लेबरिंथ कह दूं, क्योंकि वो बोन से है, मैं अगर उस रास्ते में अंदर घुस जाऊं तो साइड साइड में पूरा बोन है, मैं उसे बोनी लेबरिंथ कह सकती हूँ। वैसे ही तुम्हारा इंटरनल ईयर, यहाँ पे तुम्हारी ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन में एक बहुत बड़ा सा छेद होता है, लेकिन वो बहुत ही अजीब प्रकार का और अजीब शेप का छेद होता है। ठीक है, तो टेम्पोरल बोन के अंदर किए गए इस छेद को, इस गड्ढे को, जिसकी ऐसे पैसेजेस हैं, चैनल्स हैं, उसे बोनी लेबरिंथ कहते हैं। तो बोनी लेबरिंथ की शेप मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। मान लो यहाँ पे तुम्हारी हैमर, और यहाँ पे एनविल, और यहाँ पे स्टेपिस था। ठीक है, इनके साथ एक बड़ा सा बोन का, बोन के अंदर एक ऐसे कैविटी पड़ी हुई है, एक कैविटी ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे पूरी बोन है, ये पूरे बोन है। ठीक है, अब ये कैविटी नॉर्मल नहीं है, ये कैविटी एक ट्यूब के रूप में है, ये कैविटी एक ट्यूब के रूप में है, इस तरीके से। ठीक है, बुरा तो नहीं मानोगे, ट्यूब के रूप में है ऐसे, से लाइक दिस। ठीक है, मैं बोन को कलर कर लेती हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मान लो सपोज दिस इज द बोन, सो यू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग इज द बोन, यहाँ पे पूरा बोन है, ये बोन के अंदर कैविटी है, सो हियर ऑल्सो देर इज बोन एंड देन देर इज कैविटी इन द बोन। नाउ सी दिस कैविटी विल गो अप लाइक दिस, दिस कैविटी विल गो अप एंड हियर दिस कैविटी विल बी फॉर्म ट्यूब्स, से देर इज वन ट्यूब हियर। ओके, नाउ देर इज अनदर ट्यूब। अब देखो, दिस ट्यूब इज लाइक दिस, मान लो मैं ऐसे खड़ी हूं, सो दिस ट्यूब इज लाइक दिस, देन देर इज अनदर ट्यूब विच इज लाइक दिस, जैसे सिंदूर भरते हैं ऐसे, देर इज दिस ट्यूब लाइक दिस, सो लेट मी मेक अनदर ट्यूब हियर, से समथिंग लाइक दिस, कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन दैट? ओके, सो देर इज अनदर ट्यूब लाइक दिस, देर आर टू ट्यूब्स एंड देन देर इज अ थर्ड ट्यूब, इमेजिन अ नेकलेस। देखो, तीन ट्यूब्स हैं ऊपर ये बोनी लेबरिंथ में, एक ऐसे ट्यूब है, एक ऐसे ट्यूब है, ठीक है, एक जैसे हेडफोन्स लगाते हैं, एक जैसे सिंदूर भरते हैं, और एक ऐसे ट्यूब है, ठीक है, जैसे नेकलेस पहनते हैं। सो देर इज अनदर ट्यूब हियर, से हियर, सो हाउ डू आई मेक इट? ओके, लेट मी मेक इट दिस वे। ओके,
सो देर आर थ्री ट्यूब्स विच आर एट 90 degree टू ईच अदर. एक ऐसे ट्यूब, देन एक ऐसे ट्यूब, देन एक ऐसे ट्यूब, 90 degree. अभी तक समझ में आया मैंने क्या बनाया? ध्यान से सुनो, दोबारा समराइज कर रही हूँ अभी तक मैंने क्या बनाया है. ध्यान से देखो, चिंता नहीं करो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है डरो मत, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, मैं समझा के रहूंगी तुम्हें. सुनो, ये पूरा बोन है, ठीक है, ये पूरा बोन है, दिस इज होल कंप्लीट बोन. इस बोन के अंदर तुमने एक छेद कर दिया, तो ये जो पूरी कैविटी है इस बोन के अंदर, इसको बोनी लेबरिंथ बोला है मैंने. पर ये कैविटी एक नॉर्मल शेप की नहीं है. ये कैविटी यहाँ पे नॉर्मल है, फिर यहाँ पे जाके एक ट्यूब बना लेती है, फिर यहाँ पे जाके वो तीन ट्यूब्स बना लेती है, थ्री ट्यूब्स, एंड दीज थ्री ट्यूब्स आर एट 90 degree टू ईच अदर. सी, देर इज वन ट्यूब हियर, देर इज से वन ट्यूब हियर, एंड देर इज से वन ट्यूब हियर लाइक दिस. ओके, एंड ऑल दीज ट्यूब्स आर देन कनेक्टेड टू दिस दिस फ्लूइड हियर. इस कैविटी के अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है बच्चों, यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे पूरा फ्लूइड भरा हुआ लाइक दिस. अभी मैं आ रही हूँ कमेंट्स पे, रुक जाओ, अभी देखती हूँ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया. सो देर इज अ फ्लूइड फिल्ड इन दिस कैविटी लाइक दिस, ऐसे, समझ में आया? बोन के अंदर एक गड्ढा है, बोन के अंदर एक गड्ढा है, उस गड्ढे में, अच्छा उस गड्ढे का अजीब सा शेप है, उस गड्ढे में एक ट्यूब भी बनी हुई है, एक उस गड्ढे में तीन ट्यूब्स बनी हुई हैं, और इन सब के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है. इस लिक्विड को पेरिलिम्फ कहते हैं. लिख दूं ये वाली बात जो मैंने कही है अभी. दिस लिक्विड इज कॉल्ड पेरिलिम्फ. And this cavity, this complete cavity, it is bony labyrinth. इतना बात समझ में आया? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई. इतना बात समझ में आया है? आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड नाउ. फ्लूइड का वर्क क्या है ये धीरे धीरे समझाऊंगी बेटा, अभी सिर्फ ये समझो कि दिखता कैसा है सब कुछ. फ्लूइड का वर्क मैं अपने आप समझा दूंगी. क्लियर, डन, आगे चलूं. इप्सिता, इस क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करेंगे बेटा, पहले इतना क्लियर होने दो. पहले एक बार डाउट श्रीजा तुम कमेंट्स में लिख सकती हो बेटा. ओके, नाउ बोनी लेबरिंथ बन गया. बोनी लेबरिंथ के अंदर फ्लूइड भर दिया मैंने. बोनी लेबरिंथ कुछ नहीं है, कैविटी है बोन के अंदर, ठीक है. अब इमेजिन करो इस कैविटी के अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है. अब तुमने इसमें एक बलून डालना है. इस कैविटी में अब मुझे एक बलून डालना है, और ये बलून का शेप बिल्कुल इस कैविटी के ही शेप का होगा, ठीक है. और उस बलून के अंदर एक और फ्लूइड भरा होगा, ठीक है. बलून मतलब कोई स्ट्रेची सी मेम्ब्रेन वाला कोई बलून डालना है. लाओ एक बलून डाल दूं मैं इसके अंदर. लेट्स पुट सम बलून. से देयर इज अ बलून हियर. ओके, नॉट लाइक दिस. Again, let me make it again. I put a balloon here. ठीक है, and then I put another balloon. मतलब ये एक ही balloon का shape है, ये ऐसा shape है, and then ये balloon नीचे जा रहा है ऐसे. Okay, like this. And now this balloon is going in this tube like this. Okay, now this balloon is forming a tube and entering this tube like this, 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 this. समझ में आया मैंने क्या किया बेटा?
एक बोन की कैविटी है, उसके अंदर एक लिक्विड भर दिया पेरिलिम्फ, उसके अंदर एक बैलून तैरा दिया। ये बैलून ये वाइट कलर का है, ठीक है, और इस बैलून की शेप अजीब सी है। इस बैलून की शेप एग्जैक्टली इस कैविटी जैसी है। ओ वो नाउ सी वेरी केयरफुली, सो दिस इज द बैलून राइट, एंड ये बैलून की शेप ऐसे है, ये बैलून ऐसे इसके अंदर घुस गया इस ट्यूब के अंदर लाइक दिस। समझ में आया? वैसे इतना सुंदर नहीं बना ये, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब ये बलून ऊपर भी जाएगा ऑफ कोर्स, जहां जहां बोनी कैविटी जाएगी वहां वहां बलून जाएगा। नाउ दिस बलून विल एंटर दीज ट्यूब्स लाइक दिस, लाइक दिस, एंड दिस विल कनेक्ट बैक हियर। नाउ इट विल गो इन टू दिस ट्यूब लाइक दिस, एंड इट विल कम बैक हियर एंड ज्वाइन इट। नाउ इट विल गो इन टू दिस दिस ट्यूब एंड विल कम बैक एंड ज्वाइन हियर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये बलून की पतली पतली ट्यूब्स हैं, ये इन बोनी ट्यूब्स के अंदर घुस गई हैं, ठीक है, और ये बलून पूरा एक लिक्विड से भरा हुआ है। बलून अपना अलग ही लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर बलून गोइंग हियर डाउन 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 लाइक दिस, एंड इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड। दिस बलून इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेबरिंथ एंड द लिक्विड इन साइड इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। लिख दूं ये वाली बात जो मैंने कही है अभी। दिस बलून इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, मतलब बोनी लेबरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ पड़ा हुआ है। बोनी लेबरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ पड़ा हुआ है, और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर एक फ्लूइड है। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर बच्चों एक फ्लूइड है, मतलब समझ रहे हो, ये पूरा एक फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, ऐसे इसके अंदर भी फ्लूइड है ऐसे, ठीक है, इस बलून के अंदर भी फ्लूइड है। दिस फ्लूइड इज गोइंग इनसाइड दीज ट्यूब्स लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। अभी तक मैंने क्या बोला ये समझ में आया है? अब इसको समराइज करूंगी, बन गया है हमारा इंटरनल ईयर और कुछ नहीं है अभी। आर वी डन? यस, वन मोर टाइम। ओके, वन मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सुनो, देखिए बेटा जी, अगर आप अपनी प्रेपरेशन के लिए सीरियस हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो क्लासेस मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। पीपल पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर दीज क्लासेस, एंड इफ़ यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दीज क्लासेस देन इट इज़ योर बैड लक, आपकी किस्मत सही नहीं है अगर आप अभी भी बातें कर रहे हैं और आप इनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यही चीज़ें आपके नीट में आने वाली हैं। मैं इसको दोबारा से समराइज कर रही हूँ। ये बोन है, बोन के अंदर एक गड्ढा कर दिया मैंने, जो गड्ढा था बोन के अंदर उसको मैंने बोनी लेबरिंथ कह दिया। उसके अंदर एक लिक्विड भर दिया ब्लू कलर का जिसको पेरिलिम्फ कह दिया, पेरी मतलब साइड में, सो पेरिलिम्फ इज अ फ्लूइड विच इज़ ऑन द साइड्स। उसके अंदर मैंने एक बलून डाल दिया, मेम्ब्रेनस बलून डाल दिया, मतलब स्ट्रेचेबल सा बलून है। वो बलून बिल्कुल उसी शेप का था जिस शेप का वो बोन वाला गड्ढा था, तो वो बलून उसके अंदर 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 घुस गया। अब ये बलून तैर रहा है इस फ्लूइड में, देखो इस फ्लूइड में तैर रहा है ना ये, दैट मीन्स ये जो बलून है जो कि मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कहलाता है वो पेरिलिम्फ के अंदर तैरता है, ठीक है, और बलून के अंदर खुद भी लिक्विड है, बलून के अंदर भी लिक्विड है। दिस इज कॉल्ड एंडोलिम्फ, मतलब पेरिलिम्फ से भरी हुई कैविटी में एक बैलून तैर रहा है जिसके अंदर एक और लिक्विड भरा हुआ है जिसको एंडोलिम्फ कहते हैं। आर यू क्लियर विद दिस नाउ?
कॉम्पोजिशन अभी नहीं चाहिए हमें, इनका वर्क करेंगे हम, इनका फंक्शन क्या होता है, वी डोंट नीड द कॉम्पोजिशन राइट नाउ। इंटरनल ईयर का ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही इंटरनल ईयर की मैं फंक्शनिंग करा पाऊंगी अगले क्लास में, ठीक है। देखो इंटरनल ईयर का ये वाला पार्ट, ये पूरा इंटरनल ईयर है, मतलब बोनी लेबरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ पड़ा हुआ है, दोनों इंटरनल ईयर है। इसमें दिस पार्ट ये जो कॉइल्ड ट्यूब है ना बेटा, लेट मी मेक इट ऑफ अनदर कलर, दिस कॉइल्ड ट्यूब, ये वाली जो कॉइल्ड ट्यूब है, जो कि ऑफकोर्स बोनी लेबरिंथ भी कॉइल्ड है, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ भी कॉइल्ड है, इस कॉइल्ड ट्यूब को कॉकलिया कहते हैं बेटा जी। लिख दूं, दिस कॉइल्ड ट्यूब इज कॉल्ड कॉकलिया एंड इट इज कंसर्न्ड विद हियरिंग, ओनली दिस पार्ट इज कंसर्न्ड विद हियरिंग। ऊपर वाले पार्ट का हियरिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता, ऊपर वाला पूरा पार्ट आपका बैलेंस ऑफ द बॉडी से काम आता है, जो कि मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी। चलो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल मिडल एंड इंटरनल ईयर इज़ वेरी क्लियर टू यू, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस। आपका जो ईयर है वो आपको जान के खुशी होगा, दो काम करता है, ना सिर्फ सुनने का काम, आपकी बॉडी को बैलेंस करने का भी काम करता है, जो कि हम अगली बार क्लास में बात करेंगे। ओके आई एम फिनिशिंग द क्लास। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो बेटा लाइक करो, वीडियो को फैलाओ, जितना फैला सकते हो फैलाओ, अपने DPs पे लगाओ, अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाओ, लेट अदर पीपल ऑल्सो गेट हेल्प्ड बाई दीज वीडियोज, एंड सब्सक्राइब और ये बेल आइकन प्रेस करो सो दैट आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप पूरा सिलेबस मुझसे इसी प्रकार से करना चाहते हैं, प्लस आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही आसान और बहुत ही कम पैसे वाला तरीका, इट्स वेरी इकोनॉमिकल, यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, एंड टू ज्वाइन दैट यू कैन यूज माई कोड ऋतु। As soon as you put this code, you will get a 10% off. And this is a high time, it's a crucial time. YouTube पे आपका पूरा syllabus 2020 से पहले complete नहीं हो सकता मेरे द्वारा, ठीक है। तो आपको अगर पूरा syllabus करना है तो आप अभी join कर लीजिए, अगर आप बाद में join करेंगे फिर आप recorded sessions देखेंगे, तो उसका उससे ज़्यादा फायदा कि आप लाइव सेशंस लगाइए। सो वेट मत कीजिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए बेटा, बिकॉज everybody is working hard and everybody is getting the best, जो भी वो बेस्ट कर पा रहा है। लोग ऑफलाइन कोचिंग्स में पैसा लगा रहे हैं, जो लगा सकते हैं, जो जैसे पढ़ पा रहा है पढ़ पा रहा है। सो अगर आप कर सकते हैं ज्वाइन, सो यू शुड ज्वाइन नाउ, ओके। दिस इज द हाई टाइम, यूज दिस कोड टू गेट 10% ऑफ, ओके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। आई विल डू द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग विथ यू इन दैट क्लास, थैंक यू।